हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम जो है एडमिन पैनल देखने वाले थे, लेकिन हमारे एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए लॉग आउट करता हूँ और कोई अदर यूजर से एक बार लॉग इन करता हूँ, तो a@a.com और पासवर्ड 123456 और साइन इन। ओके, इनवैलिड हमने चेंज किया था इसका, तो आई डोंट नो क्या था इसका पासवर्ड। तो यहाँ पे आप लिखे j@j.com, आपके पास जो भी आपने क्रिएट किया था उसके हिसाब से जो है आप लॉग इन करें। और यहाँ पर जैसे आप साइन इन करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल पर आएंगे तो देखिए सेम ऑर्डर इस केस में भी डिस्प्ले हो रहा है। अब ये तो इसके ऑर्डर नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ चुका है हमारी एप्लीकेशन में, तो हमको इसको फिक्स करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ऑर्डर के कॉन्स्टेंट के अंदर जो है रीसेट की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो ऑर्डर का कॉन्स्टेंट आप ओपन कर लें, मैं इसको स्क्रोल कर देता हूँ, बैकएंड को क्लैप्स। यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑर्डर कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर हमको जो है एक और न्यू चीज ऐड करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे और इस फेल के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको रीसेट लिख देंगे। तो रीसेट, और इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसके रिड्यूसर फंक्शन में जाना है। तो ऑर्डर का रिड्यूसर फंक्शन हमारे पास कहाँ था, रिड्यूसर का फोल्डर, इसके अंदर ऑर्डर रिड्यूसर। और यहाँ पर हम एक और यहाँ पर केस क्रिएट करेंगे, ऑर्डर पे रिड्यूसर लिस्ट सक्सेस फेल। अच्छा, हम यहाँ पे देखिए पे का रीसेट ऑलरेडी अप्लाई कर रहे थे, तो इसी को आप कट कर दें। और कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑर्डर लिस्ट और यहाँ पर माय रीसेट, और सेम रिटर्न पे जो है हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देना है। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं था हमारे पास, यहाँ पर एरे था ना रिटर्न में, तो हम क्या करेंगे रिटर्न में यहाँ पर एरे को जो है क्लियर कर देंगे। तो रिटर्न, और हमारे पास है यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर को जो है हमको एम्प्टी एरे कर देना है। और इसको आप क्या करें, सेव कर लें। सेव करने के बाद हमको क्या करना है, यूजर कॉन्स्टेंट पे भी जाना पड़ेगा। तो यूजर कॉन्स्टेंट, और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स जो है यूजर की, यहाँ पर उसके अंदर रीसेट का एक और कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। ये रीसेट के लिए है, इसको भी सेव कर लें। सेव करने के बाद यूजर के रिड्यूसर में जाना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, यूजर डिटेल्स के लिए था ना ये वाला, इसके अंदर हमको एक न्यू केस यहाँ पर डिफाइन करना है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर केस लिखेंगे, केस के अंदर हमारे पास यूजर डिटेल रीसेट, और इसके अंदर हमको जो है रिटर्न करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ पे हमको रिटर्न करना है यूजर का एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखे यूजर कोलन और यहाँ पे यूजर का एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो जो भी यूजर था वो क्लियर यहाँ से हो जाएगा। इसको आप क्या करें, सेव कर लें। सेव करने के बाद हमारे पास क्या है, एक्शन है यूजर का, वो कहाँ पर है एक्शन का फाइल, यहाँ पर यूजर एक्शन। तो लॉगआउट के लिए जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था, तो वहां पर आप जाए, अपडेट है यूजर डिटेल्स आइटम्स, तो लॉगआउट के लिए हमने क्रिएट नहीं किया क्या, रजिस्टर लॉग इन, अच्छा ये रहा लॉगआउट। तो लॉगआउट के अंदर हम क्या करेंगे, एक और चीज डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, और यहाँ पे आपको टाइप इसका रखना है, अभी जो हमने रीसेट का क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आपको वो सेट कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर डिटेल्स रीसेट, मेक श्योर ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर यूजर डिटेल रीसेट, और साथ ही में क्या करेंगे, लॉगआउट के टाइम पे ना एक और यहाँ पर डिस्पैच कर देंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यूजर है, अच्छा ये यहाँ पर नॉट डिफाइंड का आ रहा है रहा, कोई मसला नहीं, हम इसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऑर्डर को भी रीसेट कर देंगे। तो इसी को कॉपी पेस्ट करें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे सबसे पहले, और इसका नाम क्या था हमारे पास, ऑर्डर अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर माय और यहाँ पर रीसेट। तो मेक श्योर आप इसी पर क्लिक करें तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा ये रहा। अब इतना लिख के आप क्या करें, इस फाइल को सेव कर ले और चेक करते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो आते हैं और हमारी ऐप को रिलोड कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर है यूजर रिड्यूसर के अंदर, देखिए यूजर डिटेल रिड्यूसर नॉट डिफाइंड, तो एक बार चेक कर लेते हैं यूजर डिटेल्स, तो यूजर रिड्यूसर, और यहाँ पर ये रीसेट डिफाइन नहीं किया तो इंपोर्ट नहीं हुआ ये। तो आप क्या करें, इस टी को जो है डबल से यहाँ पर टाइप करें, तो ये अब ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सेव कर लें, वापस चलते हैं और जो है इसको रिलोड कर देते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली जो है अब हमारे पास जो है यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर जो है शो नहीं हो रहा है कुछ भी। और मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट हो चुका है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से लॉग इन करेंगे, यूजर @user.com,
और 1 2 3 4 5 6 आर लॉग इन, और यहाँ पर हम जो है प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब इसके ऑर्डर्स जो है परफेक्टली शो हो रहे हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं लॉग आउट, तो लॉग आउट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से एक और एरर आएगा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं आपको क्या करना है। ऑर्डर रिड्यूसर के अंदर जो है यहाँ पर इसको ऑर्डर्स करना है और इतना लिख के आप जो है इसको सेव कर लें। वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर और हम क्या करेंगे इसको, और हम एप्लीकेशन को एक बार रिलोड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है लॉग आउट हो चुका है, फिर से हम क्या करेंगे साइन इन कर देंगे और j@j.com 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट। यहाँ पर प्रोफाइल पे चलते हैं, प्रोफाइल पे अभी देखिए इस केस में कुछ भी ऑर्डर्स शो नहीं हो रहे, और लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास लॉग आउट सक्सेसफुली हो चुका है। सो आई होप हमने सक्सेसफुली जो है सारी फंक्शनलिटी ऐड कर दी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। कुछ रह भी जाता है जैसे कि हमारे पास UPI पेमेंट इंटीग्रेशन और बहुत सारे, अगर स्ट्राइप का भी यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो एडमिन पैनल के बाद में वो देखेंगे, वरना इसी को करने में और जो है 5 से 10 दिन चले जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे यहाँ पर एडमिन पैनल पर काम करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।